सानवी। हाँ मामा। बेटा आपने इतनी ढेर सारी फॉर्म शीट्स खरीद ली, अब वो इधर उधर पड़ी हुई है, क्यों खरीदा था? अरे मम्मा जब मैं शॉप गई थी तो इतनी सुंदर लग रही थी, ग्लिटरी ग्लिटरी, लेकिन अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उनके साथ क्या करूँ, आप ही कुछ बताओ ना। बेटा ऐसे नहीं करते, जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तभी खरीदते हैं। ठीक है अब खरीद लिया है तो परेशान मत हो, मैं सानवी को भी सिखाती हूँ और हाँ आप लोग भी जल्दी से सीखो। मैं आपको एक बहुत यूज़फुल क्राफ्ट बताऊँगी कि वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। So without wasting much time, let's get started. तो यहाँ पे हमारे पास दो कलर की फोम शीट है, ग्रीन और रेड। तो सानवी को ग्रीन पसंद है इसलिए यहाँ पे हम ग्रीन फोम शीट लेंगे और इसको हमें पता है क्या करना है, इस तरह से हाफ फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसको दो पीसेस में कट कर लिया, दोनों पीसेस इक्वल साइज के हैं। तो अभी पता है हमें क्या करना है, हमें एक पीस को इस पे रखना है और थोड़ा सा छोटा कट करना है। तो अभी हम इसको इसके ऊपर रख देंगे और फिर इतना फोल्ड करके इसको हम कट कर लेंगे। तो अभी हमने इस पोर्शन को कट कर लिया है और इसको हम फेंकेंगे नहीं बल्कि बाद में हमें डेकोरेशन के काम आएगा। तो अभी देखो हमारा एक फोम शीट बड़ा है और एक फोम शीट थोड़ा छोटा है, क्योंकि जब हम अपनी पेंसिल केस को बंद करेंगे इस तरह से तब ये दोनों पीसेस बराबर हो जाएंगे, देखा ना। तो अभी पता है हमें क्या करना है, अभी हमने इसको साइड में रख लिया और इसको हम फोल्ड कर लेंगे ताकि जब हम इन दोनों पीसेस को ज्वाइन करें तो ये दोनों पीसेस हमारे बराबर हो जाए। ठीक है तो अब बारी है मेजरमेंट लेने की। तो हमने एक स्केल लिया और उसकी हेल्प से दो हमने पॉइंट्स बना लिए सेंटर में और इस तरह से दो लाइंस ड्रॉ कर ली और इनको हमें कट करना है। तो हमने इधर भी लाइन ड्रॉ कर लिया है और सीजर से हम इसको कट कर लेंगे, ये देखो ऐसे मार्क बनाना है। तो अभी हमने सीजर से इन दोनों पोर्शन को कट कर लिया और इस तरह से हमें एक शेप मिल गया है जो कि पेंसिल पाउच को बंद करने के काम में आएगा। तो अभी क्या करना है, जो हमारा दूसरा पीस था ना जो थोड़ा छोटा साइज का, वो इसके ऊपर रख लेना है और ऐसे दो पॉइंट को मार्क कर लेना है, ये देखो हमने दो पॉइंट को मार्क कर लिया है। और अब एक स्केल की हेल्प से दो लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल जहां मार्क किया था वहीं पे दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब हम इसे कट करेंगे और इसे क्या करना है पता है, हमें कट करके अलग नहीं करना है समझे, और हमें क्या करना है इस तरह से बीच से फोल्ड कर लेना है अपनी फोम शीट को और फिर सीजर की हेल्प से इस तरह से दो कट लगा देने हैं। और जब हम इस तरह से दो कट लगाएंगे तो एक लूप बन जाएगा, तो जब हम अपने पेंसिल पाउच को बंद करेंगे ना तो वो इसी में आके फिक्स हो जाएगा। ठीक है तो अभी क्या करना है, ये जो पार्ट है इसको हम आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड बनाएंगे, तो सीजर से इस तरह से कट कर लेंगे। तो अब ये हमारा इजीली लैच हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बंद करने में। अब इन दोनों पीसेस को स्टिक करेंगे या तो ग्लू गन की हेल्प से या फिर फेविक्विक की हेल्प से, मेरे पास ग्लू गन है तो मैं वही यूज़ करूँगी। तो चलो अभी सानवी को भी कुछ काम दे देते हैं। तो सानवी ने मीनवाइल यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी ड्रॉ कर लिया है, तो अब हम इस स्ट्रॉबेरी को कट कर लेंगे। तो देखो कट करने के बाद ये ऐसा हो गया और जो हमारी बची हुई ग्लिटर फोम शीट थी ना उससे मैंने लीफ कट कर ली। तो अब हम इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे। तो स्टिक करने के बाद कैसा लगता है मैं दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये ऐसी हमारी स्ट्रॉबेरी बन गई और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो ना ये कितना खाली खाली लग रहा है, तो फिर पता है हम क्या करेंगे, बची हुई फोम शीट से इस तरह से छोटे छोटे हार्ट को काट के इस पे रैंडमली स्टिक कर देंगे। तो कैसा लगता है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो हमने स्ट्रॉबेरी को स्टिक कर लिया और हार्ट्स को भी रैंडम चिपका दिया, लग रहा है ना बहुत सुंदर। ऐसे पेंसिल केस को जब आप स्कूल ले जाओगे तो सब आपसे पूछेंगे कि हमें भी बताओ हमें भी बताओ। और ये सानवी ने अपनी सारी स्टेशनरीज में डाल दी और इसको लॉक कर दिया। वाओ मम्मा ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल क्राफ्ट था, है ना। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड मेरे DIY को जरूर से ट्राई करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड मुझे सोशल मीडिया पे Instagram Facebook पे फॉलो करना मत भूलना। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक है टूडल्स।